नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों तो देखिए, अभी ठंड का मौसम देखिए कितना चल रहा है, तो चलिए अभी हम लोग कहीं चल रहे हैं तो आपको ले चलते हैं। चलिए कुछ नजारा दिखा देते हैं बाहर का। तो देखिए फ्रेंड्स, 7 बजे हम घर से निकल गए। देखिए कितना कुहासा है, लगता है कि एकदम अंधेरा है, बारिश होगा वैसे लग रहा था। पानी भी सीप भी इतना गिर रहा था ना, लगता था कि बारिश हो रहा है। तो हम लोग को 7 बजे वहां पर पहुंचना था, लेकिन घर से निकलते निकलते ही ठंडा की वजह से हमको 7 बज गया। तो चलिए अब हम 7:15 के करीब यहाँ पहुँच गए। देखिए सभी सर लोग आ गए हैं। कितना ठंडा का मौसम था, फिर भी सभी लोग आ गए थे, सब मेरा ही इंतजार कर रहे थे। हमसे पीछे भी कुछ लोग आए, लेकिन हमको भी लेट हो गया। तो यहाँ पर चाय का व्यवस्था था, तो सभी लोग चाय पिए, हम भी चाय पिए, क्योंकि ठंडा बहुत था। बिना चाय पिए तो कोई उपाय नहीं है। तो देखिए यहाँ का भी सीन थोड़ा सा हम ले लिए हैं। तो देखिए उसके बाद चलिए अब हम लोग गाड़ी में चलते हैं। लोग निकल रहा है, कहाँ निकलते हैं तो आप लोग को डायरेक्ट देखना पड़ेगा, डायरेक्ट वहीं मिलवाते हैं, स्पॉट पर चल रहे हैं। चलिए तो देखिए हमारे आने का इंतजार हो रहा, जब हम आए तो धीरे धीरे सभी लोग गाड़ी में बैठने लगे। तो देखिए हम लोग इस गाड़ी में बैठ चुके हैं और गाड़ी में और लोग भी हैं। हम लोग देखिए सभी महिला लोग इसमें है, जेंट्स लोग दूसरा गाड़ी में है, करीब करीब 4-5 गाड़ी सब लोग चल रहे हैं और सभी लोग पिकनिक पे चल रहे हैं। नहीं पिकनिक बोलेंगे आप लोग, नहीं बोलेंगे आप लोग को, डायरेक्ट देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। चलिए आप लोग को देखना पड़ेगा डायरेक्ट हम लोग कहाँ चल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर बर्दीवास में उतरे, सोचे कि थोड़ा सा रील वगैरह बनाएंगे, वीडियो वगैरह लेंगे, लेकिन इतना ठंडा था। 5-7 मिनट उतरे, उसके बाद सभी बोले चलिए चलिए ठंडा हो रहा है, हम लोग गाड़ी में ही चलेंगे। तो यहाँ पर सारे लेडीज उतरे भी नहीं, हम लोग 5-7 लोग मात्र उतरे। उसके बाद सब लोग को ठंडा लग रहा था तो गाड़ी में बैठ गए। तो ये बर्दीवास का सीन है, थोड़ा सा मैं झलक आप लोग को दिखा दी हूँ। उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठे, तो देखिए गाड़ी में हम लोग को फ्रूट्स मिला है। हम लोग पहुँच गए, सभी लोग बोलते अपन किचन कहाँ है, पहले अपन किचन को उतारिए। स्पॉट दिखलाइए, हम लोग उतर गए, स्पॉट दिखलाइए सभी लोग, दूसरे का दिखलाइए। तो यहाँ पर हम लोग को आते आते 11 बज गया, तो जल्दी से हम लोग यहाँ पर पहले बैठने का व्यवस्था किए, उसके बाद देखिए। तो यहाँ पर टाइम 11 बज गया था, बहुत लेट हो गया था, बच्चा लोग को भी भूख लग गया था। तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चा लोग को ब्रेड जाम, ब्रेड हनी, जो केला वगैरह फ्रूट्स वगैरह, तो सभी वैसे तो फ्रूट्स गाड़ी में भी खाए थे, लेकिन टाइम 11:15 हो गया, 11:30 तक हो गया था हम लोग खाते खाते। उसके बाद ब्रेड खाए, उसके बाद चलिए फिर अगला स्टेप की तरफ ले चलते हैं आप लोग को। उसके बाद हम लोग भी खाए, तो हम यहाँ पर सूखा ही ब्रेड खा रहे हैं, कहे कि ब्रेड में हमको जाम हनी उतना अच्छा नहीं लगता है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी लोग काम पर लग गए, तो यहाँ पर हमको पनीर काटने के लिए मिला, कहे कि सभी लोग बोलते कि अपन किचन ही पनीर काटेगी। तो किधर हम लोग का लंच बन गया था, तो यहाँ पर छोला है, चूरा, मूढ़ी, उसके बाद पकौड़ा, दही, मिठाई। तो पकौड़ा में आपको है गोभी का और पनीर का और बैंगन का। तो यहाँ पर पकौड़ा बन रहा है और हम लोग खा रहे हैं, सभी जेंट्स लोग हम लोग को खिला रहे हैं। तो यहाँ पर सभी लोग बोलते हैं कि अपन किचन की मिठाई ज़्यादा दीजिए, कि हम लोग को भी कभी अपन किचन में जाकर खाना खाना पड़ेगा, इसलिए हम कल चलिए भाई ठीक है खिलाइए, आप लोग भी आइए। तो देखिए यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, लंच करते करते हमको 1 बज गया था, कहे कि हम लोग जारा का दिन है, समय का पता ही नहीं चलता और आदमी भी बहुत है, 200 के करीब, 200 से ऊपर ही आदमी था, कम नहीं था। तो सब लोग इसी तरह से लंच किए। तो यहाँ पर कुक वगैरह नहीं लंच किए थे, तो मैं बोली कि ठीक है जाइए मैं पकौड़ा बना देती हूँ, आप लोग लंच कीजिए। तो सभी लोग बोले कि नहीं मैडम आपसे नहीं होगा, कहे कि बहुत सचमुच हमसे एकदम इतना भारी था ना छोटा, जो लगता था कि होगा ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम बनाए, लेकिन हमको बनाने नहीं दिया, थोड़ा सा सिर बनाकर उसके बाद फिर वो लोग अपने बनाए। तो उसके बाद सभी लोग बोले कि जल्दी जल्दी जाकर घूमिए, नहीं तो टाइम नहीं मिलेगा, कि जारा का दिन बहुत छोटा होता है। तो हम लोग उसके बाद ये भरत ताल में घूमने के लिए आए। तो देखिए यहाँ पर बहुत से लोग यहाँ पर घूम रहा था, उसके बाद ट्रेन है, उसके बाद साइकिल, बहुत चीज़ था, तो मैं तो उतना नहीं घूमी, टाइम भी नहीं था। तो ये भरत ताल का थोड़ा सा मैं यहाँ पर झलक दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग आए थे, बहुत लोग यहाँ पर पिकनिक के लिए आते हैं और यहाँ पर घूमने के लिए। तो देखिए थोड़ा सा ये ताल का मैं दिखा देती हूँ,
हमको तो खुद डर लगता था पानी देख करके, कह के हमको तैरने नहीं आता, लेकिन सोची हूँ कि जब आई हूँ तो ताल में तो घूमना पड़ा। तो देखिए उसके बाद यहाँ से हम चले गए वहाँ का टिकट कटाने, यहाँ नाव में घूमने के लिए। तो यहाँ घूमने वाला बहुत जगह था, लेकिन टाइम ही कम था और ठंडा था ना, कि आज का ऐसा दिन हो गया मौसम ख़राब कि थोड़ा भी धूप नहीं निकला। तो देखिए अब हम यहाँ पर ड्रेस पहन लिए, अब चलिए चलते हैं ताल में घूमने के लिए जहाज पर। ताकि हस्बैंड को भी डर लगता था, वो भी बोलते थे नहीं घूमेंगे, तो हम बोले चलिए दूसरा चीज़ तो नहीं घूमेंगे। लेकिन यहाँ पर ऊँट भी था, तो सर लोग बोले कि ऊँट पर भी चढ़िएगा मैडम, गए हमको डर लगता है ऊँट पर नहीं चढ़ेंगे, किसी तरह ताल में घूम लेते हैं। तो चलिए अब नाव पर बैठ गए हैं, अब चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। तो अभी शुरू में बैठे थे डर नहीं लगता था, अभी हम लोग गाना गा रहे हैं। तो शुरू में अच्छा ही लग रहा था, देखते हैं एकदम भी लगता है कि एकदम हवा भी बहुत चल रहा था, ठंडा भी बहुत था। तो यहाँ पर आप लोग आवाज़ सुन सकते हैं कितना एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रहा था, समुद्री हवा। तो भी आप चेहरा देखकर समझ सकते हैं, अभी सीधा जब भी नाव चल रहा था तो लगता था कि एकदम अच्छा लगता है, थोड़ा भी क्रॉस होता था तो लगता था बाप रे बाप, एकदम छाती धक धक करने लगा। देखिए अभी डर से मेरा चेहरा थोड़ा सा उतर गया, अभी बहुत क्रॉस कर दिया था, एकदम उल्टा डुलता था, लगता था बाप रे अब लौट कर नहीं जाएंगे, ऐसा होने लगा, बहुत डर लगने लगा। और देखिए यहाँ पर हमको डर भी लगता है, सभी लोग बहुत देख रहे थे, सेल्फी ले रहे हैं, मोबाइल पर रील बना रहे हैं, मैं भी थोड़ा सा वीडियो बनाई, लेकिन लगता था कभी हाथ से मोबाइल गिर जाएगा, और इतना डर लगने लगा लास्ट में। पूरा ताल को ना एक राउंड लगा था, जब नज़दीक आ गए इतना जोर से बेग मारा कि हम लोग पकड़ जाएंगे, बहुत डर से तो एकदम चिल्ला दे रहे। लास्ट में इतना डर गए कि कहे कि हमको उतार दीजिए, लेकिन सभी बोले कि अब आ ही गए मैडम। तो देखिए सही सलामत हम लोग नाव से उतर गए। तो यहाँ से अब निकल करके चलिए, थोड़ा थोड़ा झलक मैं दिखाती हूँ, कहे कि हमको टाइम ही बहुत कम था। देखिए यहाँ पर सामान वगैरह बहुत कुछ मिलता था, लेकिन हम कुछ उतना नहीं लिए, कुछ कुछ एक ठो दो ठो हम भी यहाँ का निशानी ले लिए कि यहाँ आए थे कहाँ। यहाँ पर और बहुत कुछ देखने वाला था, साइकिल वगैरह ऊपर में क्या क्या था, लेकिन मेरा चार्ज भी मोबाइल का कम हो गया था, तो मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाई। तो उसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग अब निकल गए हैं, 3:30 बज चुका था, लेकिन देखने से लगता है कि 5-6 बज रहा है। देखिए एकदम कुछ पहाड़ तो दिखिए नहीं रहा है, लेकिन जगह जगह सभी लोग यहाँ पर पिकनिक मना रहे थे, बहुत भीड़ था। तो थोड़ा थोड़ा मैं दूर दूर से ली हूँ ना, कहे कि मेरा मोबाइल का चार्ज ख़त्म हो गया था, तो मैं थोड़ा सा बचा कर रखी थी कि कहीं कहीं का मेन सीन आप लोगों को दिखाऊँगी। तो यहाँ पर वही प्रसाद वगैरह भी मिलता था, फल फूल भी था, और उसके बाद खिलौना वगैरह कुछ 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 सामान सब बहुत मिलता था। तो यहाँ पर हम भी कुछ लिए, यहाँ का रोज लिए गुलाब का फूल, ताकि हर आदमी के हाथ में गुलाब देखे। और देखिए गुलाब ही मैं लिया, और जो बैग हमारे हाथ में देख रहे हैं मैं बैग भी ली, बैग यहीं का बना हुआ है। उसके बाद झुलुंगे पुल पर आए, तो देखिए सब मैडम लोग डांस करे, हमको भी पकड़ कर ले आई कि चलिए मैडम थोड़ा सा याद रहेगा डांस कीजिए। हमको इस पुल पर भी डर लग रहा था, लेकिन सब लोग कर रही थी तो मैं भी थोड़ा सा झूम ली। तो देखिए यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको सीन दिखा देती हूँ, जगह जगह लोग यहाँ पर पिकनिक मनाते हुए, तो मैं तो थोड़ा सा ही वीडियो ली, कहे कि स्विच ऑफ होने वाला था मोबाइल। तो चलिए इस पुल पर से थोड़ा सा झलक मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए पहाड़ वगैरह तो दिखता ही नहीं है, नीचे नदी है, ये झुलुंगा पुल है, लेकिन यहाँ पूरा चलने में ना करीब 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन मैं बीच में से ही यहाँ से मैं रिटर्न हो गई, मैं ज़्यादा नहीं गई। देखिए अभी कितना बाकी था, देखिए पहाड़ उस पर जाने में करीब करीब बहुत टाइम लगता, अभी 15-20 मिनट और लगता, आधा घंटा आने जाने में, तो मैं बीच में से ही लौट गई। और उसके बाद चलिए, तो यहाँ पर 1-2 फोटो भी यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिए, कहे कि सीन बहुत अच्छा था। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पीछे ही रुक गए, कहे कि इतना ज़ोर से कोई पुल को हिला दिया ना, जो हम लोग को डर लगने लगे। तो सर बोलते आइए ना हम लोग है ना, तो किसी तरह से पकड़ कर हम लोग जल्दी से भागे। तो देखिए सर के मैडम और उनका लड़का है, तो इन लोग को डर ही नहीं लगता, बोलते हैं डांस कीजिए ना मैडम, कहे नहीं नहीं हम लोग को यहाँ पर बहुत डर लगता है, अब चलिए जल्दी भागिए यहाँ से उतरिए, कहीं पुल ना गिर जाए। सो हम लोग बोलने लगे, तो सर बोलते पुल गिरेगा तो हम लोग ऊपर से रोक लेंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर नदी में आए, तो आए तो थोड़ा सा गंगा जी का पानी से हाथ धो लिए, कहे चलिए देह पर छिड़क लिए।
मेरे हस्बैंड तो पानी छुए भी नहीं, बोलते बहुत ठंडा है, तब के चले हम छिट देते। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल गए, घूम घाम कर लास्ट में हम लोग जगह पर आ गए। इसी यही नुनथर है, तो नुनथर में ही हम लोग आए थे। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर बजरंग बली का सीन लिए, उसके बाद चलिए यहाँ देखिए बहुत बड़ा भोला बाबा है, तो थोड़ा सा भोला बाबा को भी आप लोग को दिखा देते हैं। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी भोला बाबा का दर्शन कीजिए। तो यहीं से मैं थोड़ा सा सीन हर जगह का दिखा देती हूँ। देखिए पहाड़ वगैरह तो दिखता ही नहीं है, एकदम ठंडा ठंडा है। 4 बज रहा है अभी, 4 बजे का सीन है। तो चलिए, तो हम लोग लंच करने के बाद चले गए थे भरत ताल घूमने। मैं सोची कि ये बाद में घूमूंगी, तो देखिए यही नीचे हम लोग ठहरे हैं। तो मैं सोची नज़दीक में ही ये बाद में घूम लेंगे, लेकिन यहाँ पर टाइम इतना ना 4 बज गया, इतना ठंडा हवा बहता था, इतना ठंडा लगता था कि घूम क्या घूमे, और फिर घर आने का भी था तो जल्दी से थोड़ा सा घूमे। लेकिन यहाँ पर देखिए ना, हमको वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला था, इतना भीड़ था। 10-15 मिनट रुके तब हमको यहाँ पर लाइन मिला आप लोगों को वीडियो दिखाने के लिए। तो यहाँ पर खाना का पूरा तैयारी हो चुका था, सभी लोग सलाद काट रहे थे। मैं भी थोड़ा सा बोले कि हमको भी काटने दीजिए, पिकनिक में थोड़ा सा करते हैं तो अच्छा ही लगता है। तो नहीं नहीं मैडम, आप लोग नहीं कीजिए, हम लोग कर लिए ना, आप लोग घूम कर आए हैं बैठिए खाने के लिए। क्योंकि कुछ सर मैडम लोग नहीं गए थे, क्योंकि इन लोग कई बार आ चुके हैं, हम लोग तो फर्स्ट बार आए थे। तो देखिए यहाँ पर खाना पक चुका है, तो बाप रे इतना भारी करछुल छुल नहीं समझ उठता ही नहीं है। तो इधर इसमें सब्जी है, एकदम भाप इतना ऐसे दिखे नहीं रहा है। इधर चावल बन रहा है, तो कुक लोग बना रहे हैं। तो कुक भैया बोले कि आप घूम कर आए जाइए, आग तापिए, हाथ सेकिए, हम बना लेते हैं। तो हम चले गए हाथ सेकने के लिए, सभी लोग यहाँ पर सेक रहे थे। कई जगह ऐसा जलावन जल रहा था, और आदमी घूमिए रहे थे, ऐसा जलावन ना कई जगह जल रहा था लकड़ी का, तो हम यहीं पर हाथ सेके। तो देखिए यहाँ पर हम हाथ सेकने लगे तो कुछ मैडम लोग आ गई कि अपन किचन हमको नहीं छोड़िए, हमको भी आपके साथ वीडियो बनाना है। तो देखिए सब मैडम लोग आती है धीरे धीरे करके, हम लोग अब चलिए खाना की तरफ ले चलते हैं। तो देखिए इधर सभी लेडीज लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर पत्तल पड़ चुका है, तो इधर भी उधर भी चारों तरफ लोग बैठे हुए थे। तो मैं थोड़ा थोड़ा झलक आप लोग को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सर लोग बोले कि मैडम आप भी बैठ जाइए, आपको भी लेट हो जाएगा, तो वीडियो बाद में बनाइएगा। हम कल चलिए कोई बात नहीं है, क्या कि इतना ठंडा था ना कि तुरंत खाना ठंडा हो जाता था, इसीलिए कि खाना ठंडा किसे खाइएगा, हमको चलिए लगा दीजिए हमको भी। तो देखिए यहाँ पर मेरा पतल भी लग चुका है। तो देखिए इधर भेज वाला है, हम लोग भेज वाले में है। तो भेज वाले में क्या क्या है, चावल था, उसके बाद दाल हो गया, उसके बाद आलू को भी नहीं सॉरी उसके बाद हो गया आपको पनीर, मटर पनीर का सब्जी, उसके बाद आपको हो गया था तिल का चटनी, उसके बाद फिर पकौड़ा था, पनीर पकौड़ा, बैंगन पकौड़ा, गोभी, उसके बाद आपको पापड़, और उसके बाद घी। तो देखिए लास्ट में उसका दही भी था, तो हम दही नहीं लिए, कहा कि बहुत ठंडा था। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी हम लोग के साथ डिनर कीजिए। उसके बाद अब हम लोग खा रहे हैं, शाम हो गया है, अब हम लोग निकलेंगे जल्दी से, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलेंगे। लेकिन खाना टेस्टी बना था, टेस्टी से ज़्यादा ना इन्जॉय ज़्यादा हुआ सभी लोग के साथ में। यहाँ सलाद वगैरह भी था, यहाँ पर कुछ कुछ आइटम छूट भी जाता था, काहे कि चारों तरफ लोग बैठे थे, कभी इधर परसाता है कभी इधर। तो यहाँ पर 75% लोग बैठ गए हैं, और 25% जितना बाकी है, जिसमें कुछ सर लोग हैं, कुक भैया लोग हैं। तो खाने के बाद ना फिर हम लोग यहाँ पर कुछ कच्चा पापड़ भी सेके, कहा कि तेल घी खाते खाते ना मन भारी हो गया था। तो सभी लोग बोलते हैं हमको भी सेक दीजिए ना, हमको भी सेक दीजिए। तो यहाँ पर हम सब पापड़ टूट गया था, तो मैं टुकड़ा टुकड़ा ही मैं यहाँ पर सेके, और थोड़ा सा सूखा पापड़ मैं भी खाई। मैं बोली कि चलिए मैं सेक देती हूँ, यहाँ पर बैठ कर हाथ भी सेक लेती हूँ, दोनों काम हो जाएगा, एक पंथ दुई काज। तो जो अब बाकी लोग इसको खा रहे हैं, उसके बाद चलिए अब हम लोग डायरेक्ट गाड़ी में ही आपको मिलवाते हैं। तो अब हम लोग गाड़ी में आ चुके हैं। बोलिए आप लोग को एंजॉय हुआ कि नहीं पिकनिक में? एंजॉय हुआ ना? डांस नहीं हुआ तो नहीं हुआ एंजॉय, यहीं पर कर दीजिए ना। हम लोग का नाइट पिकनिक चलता है, हम लोग सुंदर सर से पूछिए ना, हाँ लोग कैसा लगा। तो यहाँ पर अब सभी आदमी रिटर्निंग में अपना अपना हस्बैंड के साथ बैठे हैं, तभी जेंट्स लोग अकेले बैठ कर डांस करते गए, तो लेडीज लोग वही बोलती कि हम लोग को डांस नहीं आता। और क्या इसके बाद आता ही नहीं है, इसके बाद नहीं आता। गुरुजी बात सुन लो, गुरुजी आपको अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा सर जी, आपको अच्छा लगा ना? एकदम।
उठा उठा मत। हम लोग का नाइट पिकनिक चला, सभी आपको खूब एंजॉय हुआ ना? ब्याज लंदर का पैसा लगा, पैसा लगा, बहुत निक लगा ना। सब आदमी लाइक शेयर सब्सक्राइब, चल अब फोटो खींचो। पिकनिक कैसा लगा अब आज को? पिकनिक अच्छा लगा, लेकिन एक मुखचंदा नाम का आदमी छोड़ के बाल बच्चा को निकल गया था। और आपको कैसा लगा? ओ नमस्कार सर, नमस्ते सबै जनामा, पुष्पैट का सर मैडम वर्मा नमस्कार। आज को पिकनिक में धेरे आनंद आयो। हमीर पुष्पैट का एजुकेशनल एकेडमी बाट नुन थर भरत ताल में हमीर राम्रोसँग घुम्यो र धेरै आनंद भयो। यस्तै हामीहरु बाटुल जेल सम्म हामीहरु यस्तै मेलमिलाप गरेर फेरि आउँदो सालमा हामी यस्तै पिकनिक मनाउने र हजुर हामी यस्तै हामीहरु मनाउँदै जाने। धन्यवाद सर। आज कैसा लगा सर पिकनिक? हाम्रो हाम्रो फाउन्डर प्रमोटरहरूको परिवार परिवार बच्चा गर्न आएको, यसमा हाम्रो एक आपसमा सद्भावको पनि हाम्रो योजना थियो। हामी एक आपसमा परिवारलाई बच्चा र एकदमै रमाइलो छ, हामीले यो पिकनिक पनि गर्न पायौँ। बच्चाहरू हाम्रा परिवारहरू पनि एकदमै खुसी भए र मजाले हामी एकदमै इन्जोय गर्यौँ। पिकनिक समाप्त गरेर अहिले एकछिनमा हामी फर्किनेछौँ र यो वास्तवमा हाम्रो पुष्पाटिका परिवारको देन हो। हाम्रो यो पुष्पाटिकाको यस्तो एउटा स्प्रिट रूपमा हामीले अगाडि बढ्दैछौँ। साथीहरू छन् हाम्रो नि, त्यो साथीहरू एक परिवार जस्तो भएका छौँ अहिले, त्यो अनुभूति हामी गर्दैछौँ। त्यसैले गर्दा आज पिकनिक आयोजना पनि गरियो। खास गरी अहिलेको जुन हाम्रो कार्य समितिको टिम छन्, हाम्रो अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण साथीहरू आयोजना गरेका छन्, त्यसको लागि हामी फाउन्डरको तर्फबाट हुन त म सल्लाहकार पनि हो, तर फाउन्डरको हैसियतले आज यो कार्य समिति पुरै परिवारलाई एकदमै धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु, किनभने यस्तो राम्रो आयोजना गरेका छन्। धन्यवाद धन्यवाद न बताइए सर। आपको पिकनिक कैसा लगा? नमस्कार। हिंदी में अपन किचन है, बोलना नहीं हिंदी, मैथिली में प्योर मैथिली। अच्छा बोलो। पीए को टीम में जुन अहिले हाम्रो कमिटी छ, हाम्रो सलाहकार सरले अहिले भन्नु भयो नि, त्यो मात्रै होइन, कमिटीले आयोजना गर्दैमा सफल हुने होइन, यो फाउन्डर टिम र फाउन्डर टिमका फ्यामिली मेम्बर आएर यसलाई सफल पार्नु भएकोमा सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद छ। खाना पकाए पनि खाने मान्छे आउनु पर्यो के, खाने मान्छे आएपछि मात्रै हो सफल हुने के। तो यहाँ पर सभी सर सभी आदमी बैठकर खूब इन्जॉय किए, खूब सभी आदमी अच्छा अच्छा बात बोल रहे हैं, कभी कोई हंसी मजाक कुछ कुछ कर रहे हैं। तो देखिए तो सभी लोग खूब हंसी मजाक करते हैं, लेकिन हम लोग को रुक रुक कर आना पड़ता है बीच बीच में, कहा कि सब गाड़ी साथ लेकर चलना है, सो कह के चार ठो गाड़ी गया था हम लोग का। यहाँ पर इतना धुंध है ना जो बाहर कुछ दिखता ही नहीं है, एकदम शीशा पर पानी पानी ओस ओस हो जाता है। तो देखिए यहाँ से गाड़ी खुल गया, कितना अंधेरा हो गया। थोड़ा सा मैं सीन आपको रास्ता का ले रही हूँ, लेकिन दिख ही नहीं रहा है, एकदम धुंध लगा था। तो देखिए हम लोग जनकपुर आ गए, जहाँ से हम लोग गए थे वहाँ पर आ गए। रात का सीन है, 9:30 बज रहा है। अपन किचन में तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग पिकनिक गए कि नहीं, गए तो कहाँ गए सो हमको कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग नेपाल से हुएगा तो नुनथर पता ही होगा, और नुनथर और भरत ताल तो एक ही जगह है, तो मैं वहीं गई थी। हम लोग आ गए पिकनिक से, टाइम करीब करीब आपको हो गया है, कितना हो गया, 9:45 हो गया है। तो आज ठंडा भी बहुत था, तो देखिए थोड़ा सा वीडियो बनाया, कहा कि शीत के कारण वीडियो जाने टाइम में भी धुंध था, आने टाइम में भी, तो वीडियो भी अच्छा से नहीं बना सके हैं, लेकिन थोड़ा सा बनाया है। तो मेरा वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड। तो चलिए जल्दी से अपन किचन यूट्यूब पर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। गुड नाइट।